नमस्कार, आप देख रहे हैं राजमंत्र। और आज के राजमंत्र में हम जो बहुत गहरी बात करने वाले हैं वो बात ये है कि क्या राव साहब अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के हो सकते हैं। और इसके कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से जो चर्चाएं हो रही हैं, जो मीटिंग्स लगातार बीजेपी और राव साहब के बीच हो रही है, और कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी जो राव साहब हैं, राविंदरजीत जी हैं, वो जाकर के मिले हैं। और बातें ये इतनी कैसे बढ़ गई, ये बातें इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो हरियाणा बीजेपी है उसके बीच और राव साहब के बीच में जो बातें हैं वो सेटल नहीं हो पाई हैं। और अब तो यहां तक के कयास लगाए जा रहे कि राव साहब बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी वक्त। ये जो चर्चाएं हैं वो आम हो रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर दक्षिणी हरियाणा के अंदर लगभग हर सीट पे कांटे की टक्कर होने वाली है, या फिर जो मुकाबला है वो कड़ा हो जाएगा और हर सीट हॉट सीट दक्षिणी हरियाणा की लगभग तय हो जाएगी। लेकिन इसको भी कई तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो बातें बाहर निकल करके आ रही हैं उनमें क्या कुछ हो सकता है, क्या राव साहब जो हैं वो बीजेपी को राजनीतिक दबाव में लाना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी बात नहीं बनी थी। राव साहब ने दो दिन पहले ही ऐसी एक बात कही थी कि उनको अपनी बेटी के लिए भी टिकट नहीं चाहिए, और जब जो बात निकल करके सामने आई थी वो इसीलिए आई थी कि जब सेटलमेंट नहीं हो पाया था, राव साहब ने देखा कि उनके किसी भी उम्मीदवार का नाम यहाँ पे नहीं है। और कल जब वो स्वयं प्रधानमंत्री जी से जाकर के मिले हैं तो उस स्थिति में भी जो बातें हैं वो बनाने की कोशिशें की गई हैं। जो आरती राव के लिए टिकट थी वो तो पहले ही ऑफर कर चुकी थी बीजेपी, लेकिन राव साहब 8 से 10 लोग जो अपने हैं उनके लिए टिकटें और चाहते हैं दक्षिणी हरियाणा में। और अब जब दक्षिणी हरियाणा में इतनी बातें हो चुकी हैं तो राव साहब कल प्रधानमंत्री से मिले तो वहां जाकर के कोई भी जो सेटलमेंट है वो भी नहीं हो पाया, ऐसा विश्वसनीय जो सूत्र हैं वो बता पा रहे हैं। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि राव साहब कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं उनका मानना यही है कि राव साहब बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। और जो अब दबाव बनाया जा रहा है उसका कारण यही है कि राव साहब को 8 से 10 सीटें दी जाएं और उसके बाद दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी प्लस राव साहब जो सीटें 8 से 10 अपनी निकालेंगे उनके वजूद पर राव साहब बीजेपी के साथ में जो एक राजनीतिक समझौता है वो कर सकते हैं। और वो राजनीतिक समझौता यही हो सकता है, ये विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि राव साहब उन 8 से 10 विधायकों को लेकर के बीजेपी से एक मोलभाव करेंगे, बीजेपी के साथ में वो एक बातचीत करेंगे। और बातचीत क्या होगी, वो होगी कि राव साहब राव इंदरजीत जी हैं वो अगले हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और उनके लिए कुछ जो बड़े पद हैं वो मांगे जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो राव साहब के पास ऑप्शन ये रहेगा कि वो अपने 8 से 10 समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़ देंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी सरकार है वो सीटें जो जीतेगी उनके 8-10 विधायक और भी कम हो सकते हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी बिहार में ऐसा कर सकती है कि जो अपने से छोटी पार्टी है उसको सीएम पद ऑफर कर सकती है, जो अगर बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पे भी ऐसा हो चुका है, तो अब क्या हरियाणा में भी ऐसा ही हो सकता है कि राव साहब एक राजनीतिक चाल खेलें और बीजेपी उस चाल के अंदर फंस जाए और फंसने के बाद में राव साहब ही जो है वो अगले सीएम हरियाणा के बन जाएं। तो ऐसी स्थितियां भी जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो मान रहे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है या फिर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन राजनीतिक जो पंडित हैं वो इस चीज को मान के चल रहे हैं कि जो राव साहब हैं वो बीजेपी के साथ जब तक हैं तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी छोड़ेंगे तो उनको मिलने के आसार कम हो जाएंगे। ये भी राजनीतिक जो पंडित हैं
वो मान के चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या राव साहब हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? आपको क्या लगता है नीचे लिख करके जल्दी से बता दीजिए। नीट आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान, लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, CLAT, CAC, PT, NDA, सैनी स्कूल और मिड्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।